नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ पे हम खत्म करने वाले हैं एक नए क्यूरियोसिटी को, या बोले तो एक नई उत्सुकता को। और उत्सुकता ये है, क्यूरियोसिटी ये है कि जब भी आप अपने वॉशरूम में जाते होगे और जब भी आप वहाँ पे फ्लश को प्रेस करते होगे तो वहाँ पे आपको एक कन्फ्यूज़न आता होगा। वो ये कि भाई आपका जो फ्लश है उसके ऊपर एक वाटर स्टोरेज टैंक होता है जिसमें पानी स्टोर करके रखा जाता है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलते होंगे कि वहाँ पे आपको दो बटन दिखते होंगे, एक छोटा बटन एक बड़ा बटन। या फिर अगर बात करें लीवर की तो वहाँ पे भी आपको दो लीवर देखने को मिलते होंगे, एक छोटा लीवर एक बड़ा लीवर। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन आता होगा दिमाग में कि यार फ्लश ही तो करना है तो वो तो एक बटन सब भी हो सकता है, तो यहाँ पे दो दो बटन क्यों दिए गए हैं। यहाँ पे भाई बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि हो सकता है एक खराब हो जाए इसलिए शायद बैकअप के लिए एक दूसरा दिया हुआ है, या फिर बहुत लोग अपनी अपनी थ्योरीज लेके आते होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ इसका प्रॉपर आंसर और आज हम खत्म करेंगे इसी क्यूरियोसिटी को। तो चलिए फिर इसको खत्म करते हैं। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हाँ 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 देखो अब। भाई जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बदलता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे जो लाइफ है वो और चैलेंजिंग होती जा रही है। और यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, मतलब कि आप याद करोगे एक टाइम था जब आप कहीं से भी पानी निकाल कर डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर सकते थे, पी सकते थे। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि यहाँ पे आप पानी को डायरेक्टली नहीं पी सकते, आपको फिल्टर लगाना ही पड़ेगा क्योंकि पानी में इम्प्योरिटीज इतनी ज्यादा हो गई है। अब ये सब हुआ क्यों है? ये सब हुआ है ह्यूमन बिहेवियर की वजह से, मतलब हम सबकी वजह से। अब यहाँ पे कुछ लोग जानबूझ के पानी खराब करते हैं, कुछ लोग अनजाने में पानी खराब करते हैं। तो आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसी चीज के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बात करी यहाँ पे पानी की दिक्कत की, वो सीधे सीधे कनेक्टेड है आपके बाथरूम से, क्योंकि आपके बाथरूम में जो वाटर स्टोरेज टैंक होता है जिसको आप फ्लश करते हैं और उससे जो आपका वेस्ट होता है नीचे वो फ्लश आउट होता है। ये सारी कहानी उन्हीं दोनों के आसपास घूम रही है। अब देखिए यहाँ पे फ्लश वाले कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसके लिए आपको जाना होगा हिस्ट्री में। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया था 1976 में बाय विक्टर पापा ने, फर्स्ट टाइम ये इंप्लीमेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया में 1980 में, और उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया और फिर ये हर जगह देखने को मिलने लगा। तो यहाँ पे भाई आजकल जितने भी वेस्टर्न टॉयलेट्स आ रहे हैं, जो भी मॉडर्न डे के टॉयलेट्स आ रहे हैं, वहाँ पे आपको डबल फ्लश सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, एक होता है छोटा बटन एक होता है बड़ा बटन, दोनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। और ये जो पूरा सिग्निफिकेंस है ये सीधे सीधे इफेक्ट करता है यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन को, या फिर पानी के खराब होने को बचाने को। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो छोटा बटन है वो इस चीज को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है कि जब भी आप बाथरूम जाते हो सिर्फ यूरिन पास ऑन करने के लिए, मतलब कि सुसु करने के लिए, तो वहां पे आप छोटा वाला बटन प्रेस करके कम पानी का इस्तेमाल करके उसको फ्लश आउट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे सॉलिड वेस्ट नहीं होता है तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, इसलिए वहां पे छोटा बटन यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो बड़ा बटन होता है वो यहाँ पे यूज होता है सॉलिड वेस्ट को फ्लश आउट करने के लिए, मतलब कि जब आप जाते हो दो नंबर के लिए उसको फ्लश करने के लिए होता है बड़ा बटन। जो छोटा बटन होता है वो होता है नंबर एक के लिए, जो बड़ा बटन होता है वो होता है नंबर दो के लिए। अब भाई चलो बटन का मतलब तो समझ में आ गया आपको कि छोटा बटन किस लिए है बड़ा बटन किस लिए है, लेकिन अब बात आती है कि दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पे जो छोटा बटन है वो एक बार में जो पानी डिस्पेंस करता है वो करता है अराउंड 3.5 से 4 लीटर, वहीं पर जो बड़ा बटन है दोस्तों वो एक बार में जो पानी डिस्पेंस करता है उसकी क्वांटिटी होती है अराउंड 6 से 9 लीटर। मतलब कि अब आपको भाई सिर्फ सुसु करना है और वहां पे आप 9 लीटर पानी वेस्ट कर रहे हो तो ये बेवकूफी होगी। जहां पे जितने पानी की जरूरत है उतना ही जाना चाहिए, क्योंकि इससे आप पानी बचा पाओगे। अब यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे कि हमको क्या फर्क पड़ता है पानी बचाने से, क्योंकि पानी तो भाई हमें फ्री में मिल रहा है, लेकिन फर्क कैसे पड़ेगा वो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे अगर आप दोनों बटन बिल्कुल सही तरीके से यूज करते हो तो यहाँ पे आप 1 साल के अंदर 20,000 लीटर पानी बचा सकते हो। अब आप सोचो 20,000 लीटर पानी कितना होता है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम फिगर की बात करें तो मान लेते हैं कि एक एवरेज फैमिली है जिसमें 3 से 4 मेंबर है, और वहां पे अगर आप 1,000 लीटर बचाते हो तो वहां पे 1,000 लीटर का आप दिल्ली NCR में पे करते हो 3600 रुपए। मतलब कि अगर 1 साल में आप 20,000 लीटर पानी बचाते हो तो आप अराउंड यहाँ पे बचा रहे हो 720 रुपए। अब आई ना कमाल की बात, क्योंकि अब यहाँ पे आ गया फिगर। अब आप सोचोगे कि 720 रुपए बच रहे हैं तो अब भाई पानी बचाना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे 720 रुपए से भी आपको फर्क नहीं पड़ता है तो मैं आपको बता दूं मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो 3600 रुपए पर 1,000 लीटर का रेट है ये अभी कुछ टाइम के लिए ही है, क्योंकि जो पानी की क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जहाँ पे आपको 1 रुपए पर लीटर देना पड़े शायद, मतलब कि 1,000 रुपए 1,000 लीटर के लिए आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा टाइम भी देखने को मिलेगा। और अगर हम फिगर की बात करें उस टाइम पे तो वहां पे आपको 20,000 लीटर बचाने के लिए आपको पे करना होगा 20,000 रुपए, तो वहां पे फिगर बहुत बड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये सही से तरीका यूज करोगे, ये एक तरीका है पानी बचाने का, इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये ऐसा तरीका है जो शायद बहुत लोगों को यहाँ पे पता नहीं था, और बहुत लोग जाके यहाँ पे दोनों बटन एक साथ में फ्लश कर
करते थे या फिर बड़ा वाला करते थे, छोटा वाला करते थे, मतलब अननोइंगली कुछ भी दबा के आ जाते थे। लेकिन अब शायद आपको पता लग गया है, तो अब आप सही तरीके से इन दोनों बटनों का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो जितना हो पाए इस वीडियो को शेयर करो आगे, ताकि आगे लोगों को भी पता चल पाए। आगे मिलेंगे कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, वंदे मातरम।